नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर विशाल पर। आज हम पेडिसन वॉश बेसिन लगाने वाले हैं। ये वॉश बेसिन के वेस्ट पानी के लिए यहाँ पे हैंड ड्राफ्ट लगा हुआ है, इस पर हमें जाली लगाना है। ये 5x5 का जाली इस पर हमें लगाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्राउटिंग करनी होगी चारों तरफ। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी फर्श का पानी इस हैंड ड्राफ्ट में आएगा तो वो पानी साइड से लीकेज ना हो। हमें ग्राउटिंग अच्छे से करनी है, इसे हम फिक्स कर देंगे। ये अपना फिक्स हो चुका है। ये अपना पेडिसन वॉश मशीन है। सबसे पहले हम इसे पेडिसन वॉश मशीन को रख के इसका मेजरमेंट करेंगे। इसे हम लेवल की सहायता से लेवल करके मार्किंग करने वाले हैं। ये लेवल हो चुका है। अब हम वॉश बेसिन की होल के लिए मार्किंग कर देंगे। यहाँ वॉश बेसिन के पीछे की साइड में दो होल होते हैं, ये रहे फास्टर के लिए। इसे हम मार्किंग करके फास्टर लगाएंगे। जहाँ पर पेडिसन है वहाँ पर भी हम मार्किंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे फास्टनेट के लिए ड्रिल से होल कर देंगे। हमें 12 mm का, इसके लिए हमें 12 mm का बिट चाहिएगा। अब हम पीटी लगाकर फास्टनेट को दीवार में टाइट कर देंगे। हैमर की सहायता से हमें फास्टनेट को ठोकना नहीं चाहिए, इसे हम प्लास या स्पिनर की सहायता से टाइट करना चाहिए। सबसे पहले हम कपलिंग लगाने वाले हैं। इस पर सिलिकॉन लगा लेंगे कि ये लीकेज ना हो, क्योंकि वेस्ट पानी काफ़ी बार लीकेज हो जाता है। कपलिंग के चक नट को हम टाइट कर देंगे। S1 एक CP प्लेट, ये वाशर और चक नट स्वाने को भी हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। इसे हमने टाइट कर दिया, ये बिल्कुल हिल नहीं पाएगी। इस मार्किंग की जगह हम सिलिकॉन लगा देंगे। सिलिकॉन को हाथ से चारों तरफ फैला देना है। कपड़े की सहायता से पेडिसन को साफ कर लेना है। यहाँ पे हम रख देंगे पेडिसन को।
चेस्ट पाइप लगाएंगे। पेडिस्टन से हम पाइप को बाहर निकाल देंगे और फास्ट नट में इसके पेंच होल को मिला देंगे। ये मिल चुका है। इसे एक बार हम फिर से एडजस्ट कर लेंगे। नीचे मार्किंग की जगह इसे एडजस्ट करेंगे। हमें सिलिकॉन यहाँ पे भरना है। अब हम एक यहाँ पे हमें सिलिकॉन लगाना है। ये एक्स्ट्रा सिलिकॉन है, इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। वीडियो फास्ट है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए हमने इसे फास्ट कर दिया है। यहाँ पे भी हमें सिलिकॉन लगाना है। सिलिकॉन लगाने से सबसे अच्छा फायदा ये है कि वॉश मशीन कभी हिलेगा नहीं, अपनी पकड़ दीवार से बनाए रखेगा। वायर सीमेंट हमने देखा है कि काफ़ी लोग वायर सीमेंट लगाते हैं। वायर सीमेंट थोड़े दिन बाद में सूख जाती है और वो जगह छोड़ देती है, वो इस पीछे ने हिलने लग जाते हैं। फास्ट नट पर वॉश बेसिन को टाइट कर देंगे। ये पेंच है, इनको हम प्लायर या स्पिनर की सहायता से टाइट कर देंगे। कपड़े ये एक्स्ट्रा सिलिकॉन को हम कपड़े की सहायता से साफ कर देंगे। ये एक्सिपल टेपलॉन टेप लगाकर इसे हम वॉश बेसिन का जहाँ पे एंगल वॉल लगता है वहाँ पे इसे हम लगा देंगे। ये पॉइंट हमारा अंदर है, इसलिए हम इस पर एक इंच का शीपी निप लगाएंगे। शीपी निपल अक्ष निपल लगाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वॉश बेसिन में पानी का प्रेशर अच्छा आएगा। इसे हम टाइट कर देंगे पॉइंट पर। एडजस्ट प्लायर की सहायता से इसे हम टाइट कर देंगे। एक्स निपल और स्वाइन नेक को हम कनेक्शन पाइप की सहायता से आपस में जोड़ देंगे। इसे हम टाइट कर देंगे। कनेक्शन पाइप में वाशर होना ज़रूरी है, वरना पानी टपकता रहेगा, लीकेज होगा। कनेक्शन
कनेक्शन पाइप का एक मुंह हम एक्स निपल में छोड़ देंगे। अभी ये वॉश बेसिन अपना कंप्लीट फिट हो चुका है, कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। पानी चेक करके हमें चेक करना है कि ये कनेक्शन में लीक तो नहीं है, इसे हम और टाइट कर देंगे। ये ओके है, नीचे से कोई पानी नहीं आ रहा है, लीकेज नहीं है। अब हम स्वाने को ऑन करेंगे। ये देखिए अच्छा पानी आ रहा है, काफी अच्छा प्रेशर है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स। हम मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।